गोबिंद सिंह पातशाह का जो काफला सरसा नदी के कंढे ते आया, आ सरसा नदी साढ़े नेड़ों वगदी पई आ, ये कैमरे के विखा दिती जाए। इस सरसा नदी के कंढे ते आया तो अजीत सिंह पिछों लड़ता होया, जो सवेरे पहुंचया गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के कोल, तो उन्होंने अपने लखते जिगर अजीत सिंह नूं पुछया भाई किस तरह जंग का हाल है, तो उन्होंने अगों जिहड़ा जवाब दिता अपने पिता गुरु सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे अगे की जवाब दिंदा है, साढ़े साथी गुरदेव सिंह चीमा भजन सिंह भजन ते गुरलाल सिंह गुरलाल उस समय दे हाल नूं इओं बयान करदे ने। बापू वेखदा रही तू बैठ कंडे किवें तरनगे जुझार, अजीत तेरे तुब्बी मार के सरसा दे रोड़े अंदर, कड लवांगे सारे ही गीत तेरे। एस कच्ची चमकौर दी गड़ी मूरे किला दिली दा असी चुका देंगे, चोरा करी ना किले आनंदपुर दा कुली कुली नू किला बना देंगे। अच्छी वाड़े दे सत्थर दे गीत विच्चों असी उठांगे चंडी दी वार बन के, जिन्ना सूला ने दिता ना सौन तैनू शान दियांगे खंडे दी तार बन के। ओ बापू सच्चे एक कौमी सरदार ताई पीर उचदा भी बनना पै सकदा है, खून जिगर दे नाल ता जफरनामा तेरी कलम नू कटना भी पै सकदा है। जिन्ना कंध सरहंद दी तोड़नी है अजे तक ओ साढ़े हथियार जिउंदे, गूठा लाया नी जिन्ना बेदावियां ते सिंह अजे भी लख हजार जिउंदे। अपने छोटे पुत्तां दी वेल ताई जेकर अग ते उतरे ना चढ़न देनी साड़ी मड़ी ते उगे होए घा अंदर, ठार सिंघां दी बने ता बन देवी। ऐ पर जबर अगे किदा सबर करिए असी एहो जी जहर ना पी सकदे, नक मार के डंगर भी जिउण जिसनू असी जिउण अजही ना जी सकदे, असी जिउण अजही ना जी सकदे। वाह जी वाह।